गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। 9th इंग्लिश उर्दू मीडियम 2.1 कंपैरिजन क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ इंग्लिश वर्कशॉप एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। अल्फाज मायने क्रुक्ड यानी टेढ़े मेढ़े, एल्फ यानी छोटे ख़त का इंसान, मिट्टन यानी हाथ का मोज़ा, स्पेसशिप खलाई जहाज़, फियर्स शदीद, शोर कड़वा, डेजर्ट रेगिस्तान, टोस्ट गर्म करने वाला, किटन बिल्ली के बच्चे, टनल सुरंग। व्हाट क्वालिटीज़ डज द पोएट यूज टू कंपेयर? अ डायनासोर एंड अ नेल यानी एक डायनासोर और नेल को कंपेयर किया गया है। द पोएट कंपेयर्स अ डायनासोर एंड अ नेल बेस्ड ऑन देयर साइज यानी साइज़ के तौर पर डायनासोर और नेल को यहाँ पर कंपेयर किया गया। स्पेसशिप एंड अ स्नेल यानी कि इसमें स्पेसशिप और घोंगा। द पोएट कंपेयर्स अ स्पेसशिप एंड अ स्नेल बेस्ड ऑन देयर स्पीड यानी घोंगे की स्पीड क्या रहेगी और स्पेसशिप की स्पीड तो नॉट्स में होती है, बहुत तेज़ रफ्तार होती है। अ टनल एंड अ मून, एक टनल और मून जो होता है उसकी जो बारे में बयान किया गया है। कंपेरिजन बिटवीन टनल एंड मून बेस्ड ऑन देयर ब्राइटनेस यानी उनकी टनल और मून की रोशनी, ये जो रोशनाई रहती है, रोशनी रहती है, उसके मुताबिक उसका कंपैरिजन किया गया है। मैच द वर्ड्स विथ प्रॉपर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स आप अल्फाज की ज़िद कह सकते हैं। ड्राई यानी सूखा, वेट यानी गीला, फियर्स शदीद, जेंटल यानी बहुत ही ज़्यादा मुलायम, हार्ड सॉफ्ट, नॉइजी क्वाइट। हाउ डज पोएट डिस्क्राइब्स अ घोस्ट यानी पोएट ने घोस्ट को किस तरीके से बयान किया है। द पोएट डिस्क्राइब्स घोस्ट एज क्वाइट यानी जो घोस्ट के बारे में या भूत के बारे में बात क्या की गई है वो यानी खामोश मिजाज। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द वर्ल्ड फुल ऑफ यानी शायर के मुताबिक पूरी दुनिया कैसे भरी है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स यानी एक दूसरे से ज़िद से भरी हुई है पूरी दुनिया। एडजेक्टिव्स यूज टू शो शेप साइज़ टेम्परेचर, शेप के लिए यूज़ करने वाले एडजेक्टिव स्क्वायर, राउंड, क्रूक्ड एंड स्ट्रेट। साइज़ के लिए बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट। टेम्परेचर के लिए कूल, वार्म। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बयान किया गया है। जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़े हैं वैसे ही। फास्टर दैन द विंड, स्लोअर दैन अ स्नेल, बिगर दैन अ डायनासोर, स्मॉलर दैन एन इंसेक्ट, फियर्सर दैन अ लायन, टॉलर दैन अ ट्री, कूलर दैन आइस, सॉफ्टर दैन क्रीम। पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। स्नेल नेल, सी पी लैम जैम, किटन मिटन, टोस्ट घोस्ट, मून नून, एल्फ शेल्फ। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, टाइटल ऑफ द पोएम कंपैरिजन्स, नेम ऑफ द पोएट एनोनिमस यानी पता नहीं है, राइम स्कीम ऑफ द पोएम ABCB, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली एंड एलिट्रेशन। Theme, central idea of the poem. The central idea of the poem is comparisons between two things. Poet compares different things like dinosaur and nail, spaceship and snail, and tunnel with moon. Poet says that the world is full of opposites. That's why we should try and move forward in life. उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड।